नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के अंदर पिछले एपिसोड में देखा कि भिड़े को अर्जेंट 35,000 रुपए चाहिए थे। इसके लिए उसने जेठालाल को भी कॉल किया था लेकिन उसके पास भी नहीं था, तो माधवी ने भिड़े को राय दी कि सोनू को भेजा जाए पैसे लेने के लिए। और जब सोनू को पैसे लेने के लिए भेजते हैं तो उसके साथ टप्पू सेना भी जाती है। तो दोस्तों, आपने नेक्स्ट डे के प्रोमो में आपने देखा होगा कि टप्पू सेना पानीपुरी के ठेले पर जाकर रुक जाती हैं और वहां पर सोनू चेक गोली को देती हैं। दोस्तों, उसके बाद कोई आ जाता है तो वो सारे वहां से भागते हैं और चेक वहीं पर रह जाता है। और दोस्तों, जब टप्पू सेना घर पर आती हैं तो उन्हें याद आता है कि चेक तो वहीं रह गया। वो भीड़े से चुपके से सुनते हैं कि उनके बैंक से 35,000 रुपये विड्रॉल हो गए हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि भिड़े माधवी के साथ क्या करेगा, टप्पू सेना के साथ क्या करेगा। और सोचने वाली बात है कि ये पैसे कौन निकाल लिए।